नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। महोबा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार पचौरी की अगुवाई में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले भाजपा के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोविड-19 का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मांग पत्र सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भेजा है। आज सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 17-9-21 को प्रयागराज में बीजेपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भरी सभा में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आहत है। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि ऐसी मानसिकता वाले मंत्री को पार्टी से बर्खास्त करते हुए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर उनकी मांग पर जल्दी ही कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश के समस्त जिलों में पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर क्रांति के नरेंद्र कुमार, गौतम, दीपू सेन, करण, आलोक सिंह, अमित सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमन तिवारी, महोबा। सरकार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नंद गोपाल नंदी द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के ऊपर अभद्र अमर्यादित भाषा से टिप्पणी की है वो अशोभनीय है। किसी मंत्री के ऊपर यह भाषा शोभनीय नहीं है। नंद गोपाल नंदी से जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो सार्वजनिक आकर माफ़ी मांगे, वरना जनसत्ता दल पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए बात होगा। अभी डीएम साहब ने ज्ञापन ले लिया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर प्रेषित करेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन के थ्रू आग्रह किया है कि ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यही वो मंत्री हैं जो कल इनके भाई के ऊपर 9 बम और 2 कट्टे कारतूस बरामद हुए, जुए में बरामद हुए। तो ये साहूकार हुए, जो किसान हमारे भाई बैठे हुए हैं ये आतंकवादी हैं। तो इन्हीं मंत्री जो दल बदलू मंत्री नंद गोपाल नंदी कल तक अति गहमात सबके साथ अपनी फोटो वायरल करते थे, आज इनके लिए ये माफियाँ हैं, गुंडे हैं, और कल तक इन्हीं के साथ बैठकर पार्टी हुआ करते थे। हम चाहते हैं भारत सरकार से कि ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। कैसे प्रिंस पचौरी, जनसत्ता दल। तो यदि फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।